जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। वो आदमी जिसने 1990 को लालकृष्ण आडवाणी की रामरथ यात्रा रोक दी थी और उस रामरथ यात्रा रोके जाने से बिहार में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए थे, वो आदमी लालू प्रसाद यादव आज हनुमान चालीसा और लाउडस्पीकर विवाद पर अपनी बात रख रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बेवजह इस मुद्दे को क्यों विवाद बनाया जा रहा है। लालू कह रहे हैं कि अगर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है तो मस्जिद में जाकर हनुमान चालीसा या उसके बाहर पढ़ने की क्या जरूरत है। और इनका सीधा निशाना राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी पर है। क्या बोल रहे हैं लालू प्रसाद यादव, पहले वो सुनिए, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। माहौल चल रहा है आजकल, लाउड स्पीकर विवाद चल रहा है, लाउड स्पीकर को लेकर के पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी बहुत लोग बीजेपी के लोग मांग कर रहे हैं, वहाँ भी ये सब बहुत गलत बात है। ये देश को टुकड़ा करने के बराबर है। आप क्यों जा रहे हो मस्जिद के पास? हनुमान चालीसा पढ़ना है तो अपना मंदिर में पढ़ो ना भाई। ये तो इरिटेट किया जा रहा है ना लोगों को कि लोग रिएक्ट करे और दंगा फसाद हो। ये बहुत बुरा चीज है देश के लिए, बहुत खराब। सुना आपने, आज मैं आपके सामने दो मुद्दे लेकर आया हूं। एक तो लालू की अपनी राजनीति सांप्रदायिकता के खिलाफ, आज जबकि वो उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं जहां उनके राजनीतिक मायने रहे नहीं, मगर फिर भी उन्होंने एक चीज से कभी समझौता नहीं किया और वो है सांप्रदायिकता। 1990 में भी उनका वही संदेश था और आज 2022 में जब वो इतनी सारी बीमारियों से जकड़े हुए हैं तब भी उनका वही संदेश है। आगे जाके मैं आपको बतलाऊंगा 1990 में उन्होंने क्या संदेश दिया था। मगर जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो ये कि क्या अपनी राजनीतिक स्वार्थ के चलते बेवजह लाउडस्पीकर को मुद्दा बनाया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर यह है राज ठाकरे, ये वही राज ठाकरे हैं जिन्होंने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पानी पी पी कर गाली दी थी। ये बड़ी बड़ी सभाएं करते थे और हर सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रमाण के साथ उनकी आलोचना करते थे। और मैंने खुद भी कहा था अपने एक शो में कि राज ठाकरे जिस तरह से पोल खोल रहे हैं इसी तरह की पोल खोल पत्रकारों को करना चाहिए। मगर अब जबकि राज ठाकरे को यह लगने लगा है कि मौजूदा दौर में उग्र हिंदुत्व के तेवर अपनाकर ही मैं अपनी जगह दर्ज कर पाऊंगा और भारतीय जनता पार्टी भी बहुत ही चालाकी से राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते कि आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव हैं, वो बीएमसी जिसका 40,000 करोड़ का बजट है। जिसके हाथ में बीएमसी उसके हाथ में ये 40,000 करोड़। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि शिवसेना के हाथ से बीएमसी जो है ले ली जाए और वो राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है एक राज्य के अंदर बेवजह तनाव पैदा करना। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस के सामने बेतहाशा चुनौती है। वो जानते हैं कि अगर मस्जिदों के सामने बेवजह लाउडस्पीकर्स चलाए जाएंगे तो उससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है और वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि संयम बरतिए, दंगा मत भड़काइए। और ये अपने आप में एक राज्य के सामने चुनौती है, मगर हमें ये देखना पड़ेगा जो लोग ये दंगा भड़का रहे हैं उनकी अपनी मंशा क्या है। राज ठाकरे 2019 तक क्या बोल रहे थे? और हर राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी या तो विपक्ष में है या एक साल में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां दंगे जैसे माहौल पैदा किए जा रहे हैं। आपके सामने अलवर में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक अलवर चलो रैली का आयोजन किया। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं उनकी सभा में खाली कुर्सियां हैं, पता नहीं कौन चला उनके अलवर चलो में। मगर मुद्दा कुछ और है यहां पर। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था जो बद से बदतर होती जा रही है उसको लेकर अशोक गहलोत को कटघरे में रखना बेहद जरूरी है, ये सवाल भी उठाया जाना जरूरी है। और मैं पत्रकार के नाते ये सवाल उठा रहा हूं कि क्या अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने का अधिकार है? क्योंकि चाहे करौली हो, चाहे अलवर हो, चाहे जोधपुर हो, सांप्रदायिक तनाव बद से बदतर होता जा रहा है। अशोक गहलोत इसके लिए भाजपा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, जो काफी हद तक सही होगा और मैं आपको बताने वाला हूं क्यों। वो मीडिया की फेक न्यूज पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं, मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। न्यूज 18 के जिस पत्रकार ने वो झूठी खबर चलाई थी
जिसमें उसने कहा था कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला उसी का बदला लेने के लिए अलवर में मंदिर तोड़ दिया गया, वो जो झूठी खबर चलाई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं गहलोत साहब, आपने क्या एक्शन लिया? क्या उस पत्रकार को आपने गिरफ्तार किया? क्या उससे अब तक पूछताछ हो पाई? तो यकीनन गहलोत कटघरे में उनसे सवाल किए जाने चाहिए, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अलवर में रैली, अलवर में जो मंदिर टूटा वो नगर पालिका पर भाजपा का कब्जा था, वो मंदिर टूटा भाजपा की अनुमति से। आपके अपने राज्यसभा सांसद किरोड़ीमल मीना कह रहे थे कि वो मंदिर तोड़ा नहीं जाना चाहिए था, वो हमसे गलती हो गई। तो ऐसे में आप अलवर में रैली कर रहे हैं क्यों? क्योंकि आपके पास आपका प्रचार तंत्र है, आपका पालतू मीडिया है, जो इसके लिए कांग्रेस पर दोष मढ़ेगा, जबकि दोष यहां पर सीधे तौर पर भाजपा का है। तो एक तरफ जहां अशोक गहलोत को कटघरे में रखा जाना चाहिए, वहीं भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड भी यहां दिखाई दे रहे हैं। अलवर में जो हालात हैं उसका जिम्मेदारी आपकी है। मंदिर तोड़ा गया उस नगर पालिका द्वारा जिस पर भाजपा का कब्जा है। अब मैं आपको मध्य प्रदेश के बुरहानपुर लेकर चलना चाहूंगा। आपकी स्क्रीन पर यह है सतीश दिवाकर, मध्य प्रदेश पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया और आप जानते हैं इस पर क्या आरोप है? इस पर आरोप है कि इसने बड़े गणेश मंदिर की मूर्ति की आंख फोड़ दी और पास में रामदेव की मूर्ति का हाथ तोड़ दिया। जोश होश नाम की यह वेबसाइट बता रही है कि यह जो शख्स है वो भाजपा के नेता प्रहलाद पटेल का रिश्तेदार है। खुद न्यूज क्लिक के संवाददाता काशिफ ककवी भी यही बता रहे हैं। मगर मध्य प्रदेश पुलिस ये कह रही है कि जिस व्यक्ति का यहां जिक्र किया जा रहा है, जिसे गिरफ्तार किया गया, वो दरअसल मानसिक तौर पर डिस्टर्ब्ड आदमी है, यानी कि उसकी मानसिक संतुलन सही नहीं है। आरोपी जो है वो मानसिक रूप से थोड़ा उसको दौरे वगैरह आते हैं, इस तरीके का उसके भाई द्वारा बताया भी गया था, और उसको जहाँ डॉक्टर्स पर ट्रीटमेंट चल रही थी उससे भी मैंने बात की, तो एक्चुअल में उसको उस तरीके की प्रॉब्लम है। 2 साल पहले उसकी बीवी उसको छोड़ के गई है, उसके बीवी और उसके बच्चे भी हैं जो उसको छोड़ के चले गए। माँ के जाने के बाद में भी वो भगवान को उसको दोष देता है और उनके ऊपर जो है वो गलत हरकतें भी करता है, कभी थूक देता है, कभी डैमेज कर देता है, इस तरीके की हरकतें वो घर के अंदर भी करता है। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि भैया एक धार्मिक रात पे अचानक क्या इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, वो भी चांद रात वाले दिन? क्योंकि अगर ये व्यक्ति ना पकड़ा जाता तो होता क्या? दोष मढ़ा जाता मुसलमानों पर और वहां पर दंगे हो जाते। होते कि नहीं होते बताइए। कांग्रेस इस मुद्दे पर करारा हमला बोल रही है। क्या कह रहे हैं अरुण यादव, खुद सुनिए आप। जब सारी डिटेलिंग की गई और सीसीटीवी कैमरे से जानकारी ली गई, तब ये बात सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रमुख कार्यकर्ता नेता प्रहलाद पटेल के भतीजे सतीश पिता दिवाकर इस घटना के मुख्य आरोपी। कांग्रेस ये भी कह रही कि इस पूरे मुद्दे पर पुलिस की चुप्पी लगातार बनी हुई है। पुलिस खुलकर क्यों नहीं कह रही कि जिस व्यक्ति ने वो 2 मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया, वो हिंदू मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया, वो भारतीय जनता पार्टी नेता प्रहलाद पटेल से जुड़ा हुआ है, उनका रिश्तेदार है। क्या कह रहे हैं उनके नेता अजय रघुवंशी, खुद सुनिए आप। जो ऐसे लोग जो समय आने पर जरा सी कोई बात होने पर सांप्रदायिकता फैलाने की बात करते हैं, भड़काऊ बात करते हैं और ऐसे माहौल बनाने का काम करते हैं जिससे कि शहर का वातावरण खराब हो, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई तुरंत हो। और जिस प्रकार से अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ में पुलिस प्रशासन ने और स्थानीय सरकार प्रशासन ने जो कार्रवाई की है, उससे कड़ी से कड़ी ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई ऐसे पे भी की जाए जिसने मूर्ति को खंडित करने का काम किया है, हमारे मान सम्मान को ठेस पहुँचाने का काम किया है, बुरहानपुर को गंगा जमनी संस्कृति को तोड़ने का काम प्रयास किया है, और इसके पीछे जिस जो भी साजिश है जिसके द्वारा ये काम किया जा रहा है उसकी भी बेनकाब हो और बुरहानपुर की जनता को अमन चैन शांति के साथ रहने का। दिग्विजय सिंह ने भी इस पर अपनी बात कही है। वो कह रहे हैं कि हमारे बुरहानपुर के शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री रघुवंशी का बयान इस पूरी घटना पर जिला प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के लिए बधाई। मैं पहले से कहता था कि जिला प्रशासन सचेत रहा तो दंगा नहीं हो सकते, पर पूरी भाजपा और उनके नेता मुख्यमंत्री समेत की चुप्पी आश्चर्यजनक है। फिर देखिए जोश होश नाम की इस वेब पोर्टल की एक खबर। बुरहानपुर, बीजेपी नेता के भतीजे ने रची दंगे की साजिश, कब चलेगा सीएम का बुलडोजर? सवाल तो है ही ना। मगर ये जो तमाम मुद्दे मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्यों रख रहा हूं?
कि राज ठाकरे आज की तारीख में सांप्रदायिक तनाव इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे उनका राजनीतिक फायदा हो सकता है। भाजपा उनका इस्तेमाल इसलिए कर रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि बीएमसी के चुनाव में राज ठाकरे के जरिए वो शिवसेना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अलवर में मंदिर गिरा उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, मगर सांप्रदायिक तनाव बीजेपी बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि एक साल के अंदर राजस्थान के अंदर चुनाव है और जैसे मैंने कहा, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर होता जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी अशोक गहलोत की है। और अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस जो कह रही वो सही है तो बीजेपी के नेता प्रहलाद पटेल का जो रिश्तेदार है, उन्होंने दो हिंदू धर्म से जुड़ी मूर्तियां तोड़ी है जो खुद हिंदू है, इससे वहां पर दंगा हो सकता था। यह सब बतला रहा है कि एक सोच के अंतर्गत टारगेट किया जा रहा है, दंगा भड़काया जा रहा है। और इसलिए लालू प्रसाद यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत में जो बात कही वो बहुत ही प्रासंगिक और बहुत जरूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज से 1990 को लालू ने अडवाणी जी की रामरथ यात्रा रोकी थी और रथ यात्रा रोकते हुए उन्होंने क्या बात कही थी, क्या समझदारी की बात कही थी, मैं चाहूंगा आप लोग भी सुनिए। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री अडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, हिंसा नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा, तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा मैं निगाह रखा हूँ, हमने अपने शासन के तरफ से अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। कितनी अच्छी बात है ना कि अगर मंदिर में लोग ही नहीं रहेंगे तो मंदिर का घंटा कौन बजाएगा? और कानून आम और खास के लिए अलग नहीं हो सकता। खास लोग दंगा नहीं भड़का सकते जिसकी कीमत आम लोग चुकाएं। ध्यान रखिएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।